राधे श्याम फिल्म में उनका लुक देखकर काफी खुश है उनके फैंस। उनका ये लुक फिल्म में उनके किरदार के बारे में क्या बताता है? प्रभास ने अपने जन्मदिन से पहले अपने फैंस को किस बात के लिए रिक्वेस्ट किया? उनके जन्मदिन के मौके पर कौन कौन सी बड़ी फिल्मों का ऐलान किया गया और कौन कौन सी है उनकी आने वाली फिल्म? इस वीडियो में है प्रभास के जन्मदिन का सबसे बड़ा सरप्राइज। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इतने महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार प्रभास के फैंस को था। अभिनेता का जन्मदिन पर फिल्म राधे श्याम और उनकी आने वाली दूसरी फिल्मों के बारे में जानकारी देने का वादा किया गया था, जो कि प्रभास और उनकी टीम ने बखूबी निभाया। 23 अक्टूबर को बाहुबली अभिनेता प्रभास के जन्मदिन के मौके पर उनकी आने वाली फिल्म राधे श्याम से उनके लुक को सामने लाया गया। इस फोटो में प्रभास बड़े ही कमाल के लग रहे हैं। वो उसमें एक हरे रंग की गाड़ी के ऊपर बैठे नजर आ रहे हैं और आसपास और भी गाड़ियां लगी हुई हैं। इसमें उन्होंने काले रंग के ट्राउजर, पर्पल टी शर्ट और ब्लू शर्ट और एक ब्लैक गॉगल्स में नजर आते हैं। इस पोस्टर में वो इतने बेहतरीन लग रहे हैं कि उनके फैंस उनसे नजर नहीं हटा पा रहे। बस इतना ही काफी नहीं था कि प्रभास के फैंस को एक और सरप्राइज दे दिया गया। इस फिल्म में अभिनेता के किरदार का नाम ही बताया गया। इस फिल्म में उनका नाम विक्रमादित्य होगा। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उनकी टीम ने लिखा, एडवांस हैप्पी बर्थडे विक्रमादित्य। अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने भी अपनी को स्टार को जन्मदिन की बधाई देते हुए इस फोटो को पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो बड़ी घड़ी आ गई है। यह है राधे श्याम का नया पोस्टर और अभिनेता प्रभास विक्रमादित्य के किरदार। इसके साथ उन्होंने उस पोस्ट में दो हैशटैग भी यूज किए, राधे श्याम सरप्राइज और हैशटैग हैप्पी बर्थडे प्रभास। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि कल कुछ मजेदार होने वाला है, इसे देखें जरूर। इसके साथ ही दो हैशटैग लगाए गए, राधे श्याम सरप्राइज और डोंट कीप का। इसने लोगों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ा दिया और उनके फैंस को काफी खुश किया और प्रभास पर खूब प्यार लूट रहे हैं। इनके इस फोटो को देखकर फैंस को उनके मॉडर्न एज लवर बता रहे हैं। इस लुक को देखकर फैंस को इस फिल्म में उनके किरदार के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगा रहे हैं। उनमें अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही, फैंस भर भर कर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। उनके लुक की तारीफ के साथ ही उनको शुभकामनाएं और जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। अभिनेता प्रभास के दयालु, शांत और विनम्र स्वभाव से सभी लोग वाकिफ हैं, जो कि उनको करीब से जानता है हर कोई तारीफ ही करता है। फैंस तो उनके जन्मदिन और फिल्म के नए अनाउंसमेंट से खुशी से पागल हो जा रहे थे, लेकिन अपने जन्मदिन से पहले ही प्रभास ने अपने फैंस को एक आग्रह किया, जिसके बाद फैंस के दिलों में उनकी इज्जत और बढ़ गई। साथ ही प्रभास के कई सारे और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उन्होंने अपने फैंस से कहा कि उनके जन्मदिन के मौके पर बड़े बड़े बैनर पर पैसे खर्च करने की जगह वो गरीब लोगों की मदद करें। कुछ लोग जो हर दिन की कमाई पर अपना घर चलाते हैं, उनके लिए उन्हीं पोस्टर से बचाए गए पैसे से गरीब लोगों के घरों में बिरयानी पहुंचा दें और अपने परिवार के साथ भी खाएं, इससे उन्हें ज्यादा खुशी महसूस होगी। अपने इस बात से प्रभास ने एक बार फिर लोगों को उनके प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। यही वजह है कि वो भारत के इतने लोकप्रिय सुपरस्टार हैं। जैसे कि अभिनेता ने वादा किया था कि उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी राधे श्याम फिल्म में साथ ही और भी दूसरी फिल्मों की जानकारी दी जाएगी। इस वादे को पूरा करते हुए उनके जन्मदिन के मौके पर फैंस को कई सारे सरप्राइज दिए गए। ऐसा हर साल होता है कि उनके जन्मदिन पर लोगों को उनके फिल्मों की अहम जानकारी दी जाती है। ये कई सालों से चलता आ रहा है, इसलिए लोग उनके जन्मदिन को हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं। जन्मदिन से पहले प्रभास अपने फैंस को ये अंदाजा लगाने को कहते हैं कि उनके साल के जन्मदिन पर क्या ऐलान किया जाएगा और फिर हर साल उनके इसी दिन पर लोगों को सरप्राइज दिया जाता है। इस साल उन्होंने फिल्म राधे श्याम में अपने लुक को लोगों के सामने पेश किया, साथ ही अपनी आने वाली दो फिल्मों की अनाउंसमेंट की, जिसमें वो एक आदि पुरुष हैं जो कि रामायण से प्रेरित कहानी है, जिसमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दिखाई जाएगी। इस फिल्म में अभिनेता सैफ अली खान भी होंगे, जो कि रावण के किरदार में होंगे, और प्रभास श्री राम के किरदार में। उनकी दूसरी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ होने वाली है। अभिनेत्री इस फिल्म को लेकर अभी से बहुत उत्साहित है। ये जो भी जानकारी लोगों को दी गई है, इसमें वो राधे श्याम के साथ साथ उनकी आने वाली फिल्मों के लिए भी उत्साहित हो गए हैं। इन दोनों फिल्मों को भी 2022 के तक ही पूरा कर लिया जाएगा। पहले 2021 में फिल्म राधे श्याम रिलीज की जाएगी, फिर ये दोनों फिल्में।
प्रभास ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में ईश्वर फिल्म से की थी। तब वो लगातार सफलता की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनको फिल्म बाहुबली से दुनिया भर में पहचान मिली और इसके बाद उनकी हर फिल्म को सुपरहिट ही माना जा रहा है। इस साल अपने जन्मदिन पर वे 41 साल के हो गए। उनके फैंस ने उनके लिए दुआएं मांगी और ये प्रार्थना की कि वो हमेशा स्वस्थ सुरक्षित रहे और ऐसे ही सफल होते रहे। आपको प्रभास के जन्मदिन का तोहफा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्मी दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्राड सुन न्यूज़ पर।